हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है। इससे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर का पार्ट ए, जिसमें हम लोगों ने फार्मूला और एक क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसमें भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है। देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, अथवा इस क्वेश्चन को आप देखें, ये देखिए ये 5 का, और कथन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एक्स बराबर ए ऑफ द कर्व। आपको दिख रहा होगा, हमसे छिप गया है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई। पॉइंट हमारा क्या दिया है, एट एक्स बराबर ए। तो ये बहुत ही नाइंसाफी किया है कि एक ही पॉइंट दे के छोड़ दिया है। जब भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना हो तो उसमें दोनों पॉइंट चाहिए, एक्स और वाई दोनों का, क्योंकि जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसमें कहीं वाई आ जाए तो फिर वाई का भी तो वैल्यू पुट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन में बतलाया था कि दो पॉइंट से भी बनता है और एक पॉइंट भी दे तो भी बनता है। अगर एक्स का वैल्यू दिया है, ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या y का वैल्यू नहीं निकलेगा, आसानी से निकलेगा। सबसे पहले हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन निकाल के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड इसमें होगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, बस अच्छा से समझना आप। इफ x इक्वल टू a देन इसमें रखो a स्क्वायर, जहां जहां x है वहां पे a पुट कर रहा हूं, y इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी ए माइनस वाई। ये कट जाएगा आपको यहाँ से, ए स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बच रहा है, y इक्वल टू ए माइनस वाई, y इधर आ जाएगा तो टू वाई इक्वल टू ए, इसीलिए y इक्वल टू ए बटे टू। तो हमने क्या देखा कि x का वैल्यू हमारा a है और y का वैल्यू निकला है ए बटे टू। यहाँ पे इसको घेर के रख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगा ना। गिवन क्या गिवन है, x स्क्वायर y इक्वल टू a x माइनस y, ये स्टूडेंट गिवन है आपका। और अब हमें यहाँ से इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, मार्कर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए ये इनटू में है, आपको पता होना चाहिए वी बटे वी एक्स जो इनटू वी का डिफरेंशिएशन हो, ये होता है आपका वी इनटू डी यू बटे डी एक्स, इनटू में प्लस होता है यू इनटू डी वी बटे डी एक्स ना। इससे पहले हमने यू बटा वी में भी बताया था और यू इनटू वी का भी देखिए, तो इसमें सिर्फ प्लस होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए वाई का डिफरेंशिएशन, प्लस का चिन्ह देंगे, अब वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स इक्वल टू ए, एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस वाई का डी वाई बटे डी एक्स। काम करते हैं थोड़ा, इसका कैलकुलेशन होगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू ए माइनस ए डी वाई बटे डी एक्स। आप डी वाई बटे डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, विदाउट डी वाई बटे डी एक्स को उस तरफ लेके चले जाएंगे। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ए है माइनस टू
2xy. dy dx common लेंगे students. ये हो जाएगा आपका dy upon dx bracket. यहां से common क्या बच रहा है? x square plus a square. सही है? बिल्कुल सही है. Equal to a minus 2xy. ये हो जाएगा dy upon dx equal to a minus 2xy by x square plus a square. इसको equation first मान लेते हैं. अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते थे? Second derivative find करते थे. किसका? इसी का. चलो करो again differentiation. Again differentiation. Both side with respect to x. यहां से हो जाएगा double differentiation d square y बटे dx square is equal to e बटा v का फॉर्मूला. ये u है, ये v है, तो v multiply x square plus a square. चलिए अब ये देखिए differentiation जो होगा ना students क्या होने वाला है. एक constant है उसका तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस. तो माइनस कॉमन ले लेंगे. तो माइनस जो कॉमन लेंगे ना, तो यहां पे माइनस ले लीजिए. ये मत देखिए, बात को समझना. a का क्या हो जाएगा? जीरो. अब बचाएंगे यहां पे माइनस. इसको बड़ी बड़ाई करते हैं तब समझ में और बढ़िया सा है. एकदम एक एक पॉइंट समझाऊंगा. माइनस बाहर कर लिया और 2 भी बाहर कर लिया, माइनस 2. अब x y और x y यहां पे u v का फार्मूला लगेगा. तो x को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा dy / dx प्लस बची. अब y मल्टीप्लाई x का डिफरेंशिएशन हुआ, ब्रैकेट बंद कर दो, ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा. हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई किए और ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन किया. तो हम देख रहे हैं यहां पे क्या, इसमें u into v का फार्मूला लग रहा है, वो भी लगा दिए. अब फिर माइनस का चिन्ह देंगे, क्यों? क्योंकि u / v फार्मूला भी लगना बाकी है. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a - 2xy और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x / v स्क्वायर. v स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब इसमें कुछ करना नहीं, कोई कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है. इसको बस इक्वेशन 2 मान लीजिए आप. अब हमें वैल्यू फाइंड करना है. इफ x बराबर a एंड y बराबर a / 2 देन from 1 and 2 से. तो पहले from 1 से dy / dx का वैल्यू यहां से हो जाएगा स्टूडेंट्स a - 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू है a और y का है 1 / a by x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. समझिएगा बात को. अरे सर a / 2 है, जल्दी नहीं कर रहा हूं, देख लो कहीं पर कहीं गलती हुआ तो फिर बनना और संभव हो जाएगा. देखो बोले ना गलती हो रहा है. ये a स्क्वायर है क्वेश्चन में, ये भी a स्क्वायर है. तो इधर a स्क्वायर आएगा ना, यहां जाएगा आपका a स्क्वायर. अब यहां से बनाऊंगा ये भी a स्क्वायर. ये पूरा गलती हो जाता, ठीक है मैंने पकड़ लिया. तो ये a स्क्वायर अब बिल्कुल सही होने वाला, अब गलत नहीं. अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहां a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 / 2 a स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. बहुत बढ़िया. dy / dx का वैल्यू 0 आया. अब सेकंड डेरिवेटिव का, अब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड करना. इसीलिए d स्क्वायर y / dx स्क्वायर नहीं दिखेगा तो बोलना होगा, ठीक है मैं चेक कर लेंगे कैसे. यहां पे x स्क्वायर और a स्क्वायर मतलब a इसका वैल्यू a स्क्वायर
यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, पहले पुट करता हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चलो पुट कर दिया, बड़ी ब्रैकेट देना है माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x का वैल्यू a मल्टीप्लाई dy की dx का वैल्यू 0 तो टोटल यहां पे 0 प्लस y वैल्यू a बटा 2 ब्रैकेट बंद कर दो माइनस का चिन्ह लो यहां पे देखो a स्क्वायर माइनस 2a इनटू a बटा 2 into 2x यानी 2a by b square a square plus a square यानी 2a square का whole square इतना कुछ होगा। चलिए ऊपर वैल्यू लिखेंगे अब यहां पे इस छोटी सी दुनिया में a square plus a square b square y बटे dx square यहां आ जाएगा 2a square अब minus 2 अब देखिए 0 से कोई मतलब नहीं है तो माइनस 2 इससे कट जाएगा तो 2 2 कट जाएगा तो माइनस a बचेगा यहां पे लिख सकते हैं माइनस a चिन्ह दूंगा माइनस का। अब देखिए यहां से 2 कट जाएगा ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 इधर वाला पार्ट 0 बच रहा है उधर चलना ही नहीं है यहां हो जाएगा 4a पे पावर 4 कैलकुलेशन 2 मल्टीप्लाई a मतलब माइनस 2a पे पावर 3 बटे 4a पावर 4 यहां से कट जाएगा यहां से ये कट जाएगा यहां बचेगा माइनस 1 अपॉन 2a। तो हमने डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकाला स्टूडेंट्स तो आया है माइनस 1/2a ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस 5 डिफरेंशिएशन का स्क्वायर का पावर 3/2 बटे में डबल डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर बराबर ये 1 प्लस dy dx का वैल्यू 0 आया 0 पुट करेंगे कुछ नहीं यानी 1 पे पावर 3/2 तो 1 ही ऊपर हो जाएगा पर इसका माइनस 1 अपॉन 2a ये चला जाएगा ऊपर आंसर माइनस 2a यही आंसर आपका माइनस 2a इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स माइनस 2a। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे नोट कर लीजिए। नोट कर लो बाबू क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम के व्यू से। Down.